कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। मटेरियल बाजार के बारे में जानेंगे, आज देखेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है मटेरियल बाजार में, एलएमई और एमसीएस में देखेंगे किस तरह से कारोबार हुआ है दिल्ली और मटेरियल बाजार में, जानेंगे किस तरह का उतार चढ़ाव ट्रेंड बाजारों में आज चल रहा है, विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मटेरियल बाजार के बारे में बात करते हैं, जबरदस्त बढ़त के साथ कारोबार देखा जा रहा है, खासतौर से कॉपर, एल्युमिनियम और जिंक में जबरदस्त तेजी आई है। कॉपर का जो लेवल चल रहा है एलएमई में वो 8,418 चल रहा है, 701 एमसीएस का रेट, एल्युमिनियम का रेट 2,507 है एलएमई में, 216 रुपए एमसीएस का रेट चल रहा है, लेड में 2,205 रुपए का लेवल चल रहा है एलएमई में, 186 रुपए एमसीएस का रेट है, जिंक में 3144 रुपए का लेवल चल रहा है एलएमई में, 279 रुपए एमसीएस का रेट बाजारों में जिंक में देखा जा रहा है। गोल्ड के बारे में अगर बात करते हैं तो 1773 रुपए का लेवल चल रहा है गोल्ड यानी सोने में, 53,787 रुपए का लेवल चल रहा है एमसीएक्स में सोने में, सिल्वर यानी चांदी में 22.30 रुपए का लेवल आप कॉमेक्स में देखकर चल सकते हैं, 65,663 रुपए का लेवल चल रहा है एमसीएक्स में सिल्वर में। क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं, गिरावट को देखते हुए 79.60 रुपए पर। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। एलकॉमेक्स में कारोबार हो रहा है क्रूड ऑयल में और 6,178 रुपए का रेट आप एमसीएक्स में क्रूड ऑयल में देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली के बाजार के बारे में अगर बात करी जाए तो कॉपर सुपर एचडी का रेट दिल्ली के बाजार में 718 है, कॉपर आर्मेचर का रेट 678 चल रहा है। एल्युमिनियम बर्तन कीमतें बाजारों में 184 है, एल्युमिनियम वायर स्क्रैप का रेट बाजारों में आप 206 देखकर चल सकते हैं, एल्युमिनियम पुर्जे का रेट 148 रुपए बाजारों में देखा जा रहा है। जिंक में जिंक हिंदुस्तान का रेट दिल्ली के बाजार में 309 है, लेड की कीमतें 178 चल रही है, एलआईबीटी का रेट दिल्ली के बाजार में 193 है, बाजारों में बैटरी स्पेक की कीमतें 95/113 रुपए देखी जा रही है, निकिल में 2370 रुपए पर कारोबार हो रहा है। इसी तरह से टिन रागे में बाजारों में 2125 रुपए पर कारोबार देखा जा रहा है, ब्रास पीतल का रेट बाजारों में 449 चल रहा है, और RSS बर्तन स्क्रैप पर दिल्ली के बाजार में आप 70 रुपए पर कारोबार देखकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं मुंबई के बाजार के बारे में, तो मुंबई के बाजारों में भी कॉपर में जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार देखा जा रहा है, जिसको देखते हुए कॉपर केबल स्क्रैप का रेट 683 है, कॉपर आर्मेचर कीमतें 657 रुपए देखी गई है, ब्रास का जो रेट चल रहा है बाजारों में मुंबई के बाजार में ब्रास स्क्रैप का रेट वो 465 है, एल्युमिनियम की कीमतें 161 चल रही है, जिंक इंगट का रेट बाजारों में 280 है, लेड की कीमतें 190 देखी जा रही है, टिन इंगट में मुंबई के बाजार में 2125 रुपए पर कारोबार हो रहा है, निकिल का रेट 2425 रुपए देखा जा रहा है। ओवरऑल बाजारों में जो ट्रेंड है वो इस हिसाब से काफी हद तक पॉजिटिव आपको देखने को मिल सकता है। अब बाजारों में बात करते हैं ट्रेडिंग रेंज के बारे में, तो आप बाजारों में अगर सपोर्ट देखेंगे तो कॉपर में 678 का एक अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस लेवल कॉपर में 684 चल रहा है, लेड में बाजारों में 177 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लेवल लेड में 189 रुपए देखा जा रहा है। इसी तरह से जिंक के बारे में अगर बात करते हैं तो 281 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट चल रहा है जिंक में, और 288 रुपए का रेजिस्टेंस लेवल जिंक में देखा जा रहा है। निकिल के बारे में अगर बात करी जाए तो निकिल के बाजार में 2340 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लेवल बाजारों में 2390 रुपए निकिल के बाजार में देखा जा रहा है। काफी हद तक ट्रेंड पॉजिटिव है, एक अच्छे सपोर्ट के आसपास आप जरूरत आने पर अगर आपको कहीं गिरावट देखते हैं तो उस जगह से आप खरीदारी गिरावट पकड़ के चल सकते हैं, लेकिन हम आपको ऊपरी स्तर पर सतर्क रहने की सलाह जरूर देंगे। आपको अगर अच्छा लेवल मिलता है तो ऊपरी स्तर पर अच्छे लेवल के आसपास आप अपना टाइम आने पर प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आप अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।